सरिया में इंकलाबी नौजवान सभा ने RYE के बैनर तले शहीदी आजम भगत सिंह के 116वीं जयंती समारोह पर सरिया ठाकुरबाड़ी फील्ड से भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च निकाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए RYA नेता संदीप जायसवाल ने कहा कि भारत में आज नफरती सरकार है। मोदी और भाजपा की सरकार ने शहीदी आजम भगत सिंह के सपनों को चकनाचूर कर रही है। इस सरकार में पूरे देश में सांप्रदायिक जहर घोल रही है, जिसके खिलाफ देशव्यापी युवा संकल्प मार्च के माध्यम से देश में गंगा जमुनी तहजीब जिंदा रखने व रोजगार को लेकर संकल्प यात्रा निकाली गई है। विधायक विनोद सिंह ने कहा कि देश की मोदी सरकार धर्म की राजनीति बांटने का कार्य कर रही है और रोजगार नीति पर मौन है। देश की संपत्ति अंबानी अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट को बेच रही है, जिसके खिलाफ एकजुट होकर विरोध करेंगे तो देश विरोधी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह के जयंती पर इंकलाबी नौजवान सभा ने देश व्यापी जो है युवा संकल्प मार्च का आयोजन किया है। यह युवा संकल्प मार्च का आयोजन इसलिए किया गया है कि हम देख रहे हैं इस देश के अंदर जो शहीद आजम भगत सिंह ने जिस देश का सपना देखा था, उस सपने को जो है भाजपा और मोदी की सरकार जो है चकनाचूर कर रही है और पूरे देश के अंदर जो है वो सांप्रदायिकता का जहर जो है फैला रही है। लोगों को रोजगार देने के बजाय जो है लोगों को मुद्दे से भटका रही है। आज हम लोग जो है पूरे देश व्यापी संकल्प मार्च के माध्यम से देश के नौजवान संकल्प ले रहे हैं कि इस देश में जो गंगा जमुना तहजीब है, इस देश में जो रोजगार की लड़ाई है, इस देश में जो है संविधान पर हमला है, उसके खिलाफ जो है देश के नौजवान जो है एकजुट होंगे, संकल्प लेंगे और आने वाले समय में यह सरकार जो नौजवानों के रोजगार की दुश्मन है, जो सरकार देश के जो है सांप्रदायिक सौहार्द की दुश्मन है, जो सरकार जो है इस देश के अंदर जो जमहूरियत है उसकी दुश्मन है, उसके बरखिलाफ जो है बड़े आंदोलन का जो है आगाज का संकल्प लेगी। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए कई प्रसिद्ध डॉक्टर यहाँ अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं, कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बोडो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। निसंतान दंपति निराश ना हो, धनबाद की प्रसिद्ध स्त्री रोग एवं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता दास प्रत्येक शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने मरीजों को देखती हैं। इनके द्वारा बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बीबी, IVF, दूरबीन द्वारा जांच व इलाज के साथ साथ अन्य स्त्री रोगों का इलाज किया जाता है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म कुष्ठ गुप्त व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान नाक व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, बेंगलुरु से आई स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता राय, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन्स, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।